सलाम अलैकुम ताया भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? रशीदा, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं, जल्दी आ जाऊंगी, सना का ख्याल रखना। जी, क्या हुआ? मुझे तो कोई खुशखबरी लगती है बाजी। तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? अम्मा हो तुम इस घर की, जाओ यहाँ से। जी, माफी चाहती हूँ। बताया नहीं, हुआ क्या है तुम्हें? सी बस मैंने चक्कर आ रहा है, सुस्ती सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं बिल्कुल भी। खैर, सुस्त तो तुम हमेशा से हो, कुछ दिनों की बात तो नहीं है ये। जाओ जाओ भाई, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगी तुम, जाओ। कहीं रशीदा की बात सच्ची ना हो, अगर ऐसा हुआ तो मजीद कदम जमा लेगी इस घर में और राशिद की जिंदगी में। राशिद तो पहले ही इसका दीवाना हो गया, और अगर बेटा हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? नाथरा को फोन करती हूँ। फैयाज, किधर है फैयाज? फैयाज, ये किन लोगों को घर में घुसाया हुआ तुमने? क्या हो गया, क्यों शोर रहा था भाई? मैं बताती हूँ ना, ये शख्स जबरदस्ती अंदर घुसाया और मुझ पर रोक डाले जा रहा था। तो इसकी नियत ही ठीक नहीं लग रही। ए, पूरा घर संभाला है इसने, मेरा भी ख्याल रखती है, देखती है सारे काम। सुना तुमने? सुन लिया, अपनी औकात में रहो, मुलाजमा हो तो मुलाजमा की तरह रहो। मुलाजमा कह रहे मुझे ये बुढ़ा? तो मुलाजमा को मुलाजमा नहीं तो और क्या कहूंगा? आप ही बताए ना, क्या हूँ मैं इस घर की? मुलाजमा नहीं है, परवीन है। फैयाज, क्या हो गया तुम्हें? तुम? अरे मैं ठीक हूँ बिल्कुल भाई, और तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम परवीन को, मुलाजम को तुम माफी मांगो? इससे चलो। फैयाज, इधर आओ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये औरत शक्ल से शातिर और चालाक नजर आ रही है, और तुम पूरा घर इसके हवाले करके आराम से ऊपर लेटे हुए हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें ये नुकसान पहुंचाएगी, सुन रहे हो मेरी बात? फैयाज साहब, आप सुन रहे हैं ना ये क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा सारे दिन आपकी खिदमत करते नहीं थकते, और ये कह रहे हैं कि मैं आपको नुकसान पहुंचाएंगे। शाकिर, मैं अपना अच्छा बुरा खूब अच्छी तरह समझता हूँ, मेरी तुम फिक्र ना करो। तुम ऐसा करो, तुम मेहरबानी करके जाओ, तुम यहाँ से जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस मुलाजमा की खातिर अपने जिगरी दोस्त को घर से निकाल रहे? कितनी बार कहूँ, परवीन है ये, मुलाजमा नहीं है। फैयाज, आप ऊंचा नहीं बोले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वाह फैयाज वाह, अभी आफिया भाभी को गए हुए कुछ दिन हुए और तुमने उनकी जगह इसको दे दी। यार क्या समझ नहीं आ रही फैयाज, क्या कह रहे हैं बुढ़े? नजर नहीं आ रहा उनके सर में दर्द कर दिया तुमने? जाओ यहाँ से। फैयाज, मैं कह रहा हूँ अभी के अभी इस औरत को निकालो यहाँ से, ये फंसा रही है तुम्हें। ये कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ भाई, जाओ तुम जाओ यहाँ से, जाओ 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 बस। फैयाज, आप कमरे में चले, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। फटा जा रहा है सर, तबीयत ठीक हो जाएगी, आप चलिए तो सही। जाओ भाई जाओ।